हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजनीश का वही, और ये हमारे पेशेंट हैं। क्या प्रॉब्लम है मैडम आपको? मुझे बैक पेन है काफ़ी, और मैं नेक के यहाँ पे ना हम आ चुका है। बेसिकली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो जब मैं क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो मैं 4-5 घंटा खड़े रह के काम करना पड़ता है, झुक के काम करना पड़ता है। तो बैक में पूरा जो स्पाइन है वो काफ़ी पेन करता है, फिर बहुत पेन होता है आराम से। ये पिछले कितने सालों से हो रहा है? जब से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, जो भी 4-5 ईयर्स। 4-5 ईयर्स से? जी। ओके, मैं यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? जी, मैंने यहाँ पे नीचे आपका बोर्ड देखा था, तो मैंने सोचा एक बार आ जाती हूँ, देख लेती हूँ। ऐसे भी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई हूँ, तो कुछ उपाय तो नहीं हुआ है, बट दर्द तो होता है, तो इंसान सोचता है कि कुछ ना करके बस ठीक हो जाए। अच्छा, 4-5 साल से काफी परेशान है। जी, बाकी देखते हैं आज क्या है। बैक पेन होता है, नेक पेन होता है? जी, नेक पेन नहीं होता, नेक के नीचे जो हम्प आ गए हैं और उससे लेके नीचे कमर में काफी कमर, ठीक है। इस पे लेटेंगे या उल्टा फेस डाउन करके? जी ना, इस पे रखेंगे बीच लेशन गैस और लेट जाएगा। एक लंबा सांस लेना, डर लग रहा है। कोई डर नहीं, लंबा सांस लेना, छोड़ दो, सांस छोड़ दो, सांस छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स, बस डर हुआ
दर्द है आप अभी कर रहे हो तो दर्द है, प्रेस यहां भी कराओ, प्रेस यहां दर्द हो रहा है, लूज है आप रे एक लंबा सा छोड़ेंगे बस रिलैक्स है, बस थोड़ा सा आपको ये है मन में वैसा कुछ प्रेस का पेन नहीं डाइजेशन कैसे आपको डाइजेशन हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बाहर का खाना वगैरह भी होता है ना इसके लिए थोड़ा और ऊपर जाए रेगुलर टाइम पे खाना नहीं होता नहीं बिल्कुल नहीं होता कोई टाइम पे खाना नहीं होता मेरा वो छोड़िए तेरे इतना अनबैलेंस का आपका नाम ही चल ये देखिए अप्रॉक्स 1 इंच का है अप्रॉक्स 1 इंच का आपका जो कदम होता है ना नाभी वो अपने जगह पे नहीं वेट फील करता है था जो आपके बैक नेक जो भी हो पेन आ रहा है अभी उसमें कैसा क्या चेंजेस है पेन तो फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है और पोस्चर भी काफी बेटर लग रहा है पहले से पोस्चर भी काफी बेटर लग रहा है जी ये मैं ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेट चल रही है जो मैं तुम्हारा हम था ऐसे ये थोड़ा सा भी दिखेंगे आपको मेंटेन लगेगा ये पहले जो मैं झुक के चल रही थी वैसा फीलिंग नहीं है मतलब भी जब मैं मिरर में देख रही हूँ मेरा बॉडी बहुत
स्ट्रेट लग रहा है, जैसे लग रहा है कि वो स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट खड़ी हो, तो ऐसे खड़े रहती, या अभी वैसे हो नहीं रहा है खुद से, तो करना पड़ रहा है, अब नॉर्मली भी मैं ऐसे खड़े रह रही हूँ, तो वो काफी बेटर मिलेगी, प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। बाकी ये जो अभी हम लोगों ने वीडियो शूट किया, जैसे सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं हम जी सर, ठीक थैंक यू। और मैं कहना चाहूंगा उन लोग जो आपकी तरह जो पीड़ित है इस बीमारी से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? प्लीज आप इन सर के पास आइए, डॉक्टर रजनीश कांत सर के पास आइए, और बहुत अच्छी फीलिंग है अभी, बहुत फील अच्छा हो रहा है। तभी मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मेरे लिए न्यू था, और ऑब्वियसली फीमेल्स को बहुत टेंशन होता है कि कैसे जाए डॉक्टर के पास, क्या करे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो सारे चीज़ों को साइड में रख के अपना पेन को रिलीफ लाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस हिसाब से शॉर्ट रजनीश कांत के पास आइए। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू।